बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम खबर आई है और जो शकूक व शुबात इलेक्शन के ऊपर जन्म ले रहे थे, चीफ इलेक्शन कमीशन ने उन शकूक व शुबात को ख़त्म करने की कोशिश की है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा ने साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि कुछ भी हो जाए 8 फरवरी को पाकिस्तान के आम इंतखाबात हर सूरत होंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हतमी फहरिस्तें हैं इंतखाबी हलकों से मुतालिक वो भी जारी कर दी हैं और जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा तो उन्होंने ये कह दिया है कि 8 फरवरी से पहले पहले 54 दिन काउंट कर दें तो उस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। और इलेक्शन का शेड्यूल जैसे जैसे जारी होगा तो इलेक्शन का अमल भी आगे बढ़ता जाएगा। इसमें आरओज़, डीआरओज़ और जो इंतज़ामी अमला है वो भी इलेक्शन के लिए तैयार होता जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाक फ़ौज की जो खिदमत हैं इलेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो भी हासिल कर ली जाएंगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि हर सूरत में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कर दिया जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने भी ये वाज़े कर दिया है कि 8 फरवरी की जो तारीख है वो पत्थर पर लकीर तसव्वुर की जाए। किसी भी सूरत में 8 फरवरी से जो इंतखाबात हैं वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 महीने का वक्त है और बहुत सारे हमारे जो तज्जियाकार हैं, तज्जिया निगार हैं, वो इस बारे में उनको शक है, शुबा है कि शायद इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। अब ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल दोस्तों क्यों है, उसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। पहली वजह सियासी है और दूसरी वजह माशी है। सियासी वजह यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि लंदन से पाकिस्तान वापस लौट आए हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम अभी शुरू नहीं हुई और जैसे इंतखाबी मुहिम शुरू होगी तो उसके बाद इलेक्शन का जो पूरा मोमेंटम है वो पाकिस्तान में बन जाएगा, क्योंकि उनके जो मकासद थे वो उस मकासद और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे चल रहे हैं। उनका पहला मतालबा ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उनका ये मतालबा मान लिया गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त चूँकि इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ है तो पीटीआई की जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो इस वक्त कहीं बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि चूँकि इमरान खान जो है वो जेल में है, उनके जो नायब हैं शाह महमूद कुरैशी वो भी जेल में है और जो बड़ी क़यादत है वो भी इस वक्त या तो रोपोश है या फिर जेलों में है। अब जो बी कैटेगरी की क़यादत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। कुछ वकला हैं हामिद ख़ान जैसे सीनियर वकला और कुछ जूनियर वकला हैं जिनको अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए थे। लेकिन हुआ यह है कि जिन जो लोग नए आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन्होंने पुरानी जो क़यादत है उसको पीछे हटा दिया है और ख़ुद जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। 4-5 जो बड़े वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो कानूनी टीम है, उनके अंदर भी इख्तलाफात हैं, वो एक दूसरे की भी बात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने पीटीआई के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। मसलन शेर अफजल मरवत जो है वो शुएब शाहीन से नाराज़ हैं, शुएब शाहीन शेर अफजल मरवत से नाराज़ हैं। हामिद ख़ान जो है वो पीटीआई के जो जूनियर वकला हैं उनसे नाराज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो ये कानूनी टीम है उन्होंने सीनियर को पीछे करते हुए खुद जाकर जूनियर्स ने जाकर इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और मुझे तो ये शक पड़ता है, जैसा कि बैरिस्टर गौहर ने भी पीटीआई की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है, अब मुझे ये शक पड़ रहा है कि शेर अफजल मरवत ही खुद पीटीआई के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि जो सियासी रहनुमा थे, जो पीटीआई के सेनेटर्स थे, जो अराकीन पार्लियामेंट थे, वो तो इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस तरह जब कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त आएगा तो उस वक्त भी आप देखिएगा कि पीटीआई के जो अराकीन हैं वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारे जो पीटीआई के लोग हैं वो तो आईपीपी में चले गए हैं, कुछ नून लीग में जा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। और जो लोग कागजात नामजदगी जमा कराने आएंगे दोस्तों, उस वक्त भी आप देखिएगा कि एक पूरा ऑपरेशन होगा उनके ख़िलाफ़, उनके कागजात नामजदगी वापस ले लिए जाएंगे या उनको ऐसे ऐसे उनके उम्मीदवार होंगे पीटीआई के जो कि नून लीग का या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। इस तरह जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है।
अब नवाज शरीफ जो है वो मुकदमा से आहिस्ता आहिस्ता बरी हो रहे हैं। पहला मुकदमा था उनका एवन फील्ड रेफरेंस वाला, उससे वो बरी हो चुके हैं। अब अल अजीजिया का जो केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगा दिया है, उसकी भी समाअत अगले हफ्ते से शुरू हो रही है, तो उसमें भी वो बरी हो जाएंगे। लेकिन फिर बात हुई है कि जब वो इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि उनका कितना वक्त लगता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि नवाज शरीफ के लिए माहौल पूरा का पूरा सेट कर दिया गया है, उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया गया है, अब कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन को मुलतवी करा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके बावजूद भी हो सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्योंकि जो सेटअप इस वक्त काम कर रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है, और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन बर वक्त नहीं होंगे, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यह सारा सेटअप इसलिए बनाया है कि इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन कुछ आलमी मजबूरियां भी हैं, IMF का दबाव भी है, और जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन बर वक्त हो। लेकिन जब तक 8 फरवरी नहीं आता उस वक्त तक दोस्तों इलेक्शन के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक 8 फरवरी नहीं आता उस वक्त तक इसके जो शकूक व शुबात हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगे, और जो लोग जिन लोगों को ये शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे, उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब इलेक्शन बहरहाल एक ना एक दिन होने तो हैं, क्योंकि एक थ्योरी ये है कि या तो अगस्त सितंबर 2024 में इलेक्शन करा लिए जाएँ, या फिर अगर 8 फरवरी को हो भी जाते हैं तो एक ऐसा सेटअप आएगा जिसमें सारी की सारी सियासी जमातें हुकूमत में होंगी और अपोजिशन में एक राजा रियाज जैसे एक साहब होंगे जो कि अपोजिशन चला रहे होंगे। इस तरह पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो भी उसी तरह जारी और सारी रहेगा, और एक लूली लंगड़ी सी पार्लियामेंट भी बन जाएगी, जमहूरियत भी पाकिस्तान में चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।